पेरिस पैरालंपिक के सातवें दिन भारत के खाते में 21वां मेडल आया है। भारत के सचिन खिलाड़ी ने पुरुष शॉर्ट पुट F46 कैटेगरी में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने इस दौरान 16.32 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जो कि एशियन रिकॉर्ड है। इसी इवेंट में मौजूद अन्य भारतीय रोहित कुमार 14.10 के थ्रो से 9वें और मोहम्मद यासिर 14.21 के थ्रो से 8वें स्थान पर रहे। खिलाड़ी का सिल्वर मेडल मौजूदा पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में आया 11वां मेडल है। बता दें, इवेंट का गोल्ड मेडल कनाडा के ग्रेग के नाम रहा। उन्होंने अपना सीजन बेस्ट करते हुए 16.38 का थ्रो फेंका। क्रोएशिया के बाबलू लुका ने 16.27 के थ्रो के साथ पर्सनल बेस्ट थ्रो प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। F46 कैटेगरी में उन एथलीटों के लिए है जिनके हाथ में कमजोर मसल्स या हाथों के मूवमेंट में कमी होती है। इसमें एथलीट खड़े होकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं इससे पहले भी एशियन रिकॉर्ड खिलाड़ी के ही नाम रहा। उन्होंने मई 2024 में जापान में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और एशियन रिकॉर्ड बनाया था। सचिन बीते साल चीन के हांगझाओ में हुए पैरा एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। भारत को 40 साल पैरा ओलंपिक में पुरुषों के शॉर्टपुट इवेंट में मेडल हासिल हुआ है। उनसे पहले साल 1984 में यह कारनामा जोगिंदर सिंह बेदी ने किया था। वहीं साल 2016 में रियो ओलंपिक में दीपा मलिक ने महिलाओं के शॉर्टपुट इवेंट में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। इसके 8 साल बाद भारत को इस खेल में फिर से मेडल मिला है। आपको बता दें, सचिन के थ्रो में पहला थ्रो 14.72 मीटर, दूसरा थ्रो 16.32 मीटर, तीसरा थ्रो 16.15 मीटर, चौथा थ्रो 16.31 मीटर, पांचवा थ्रो 16.03 मीटर और छठवां थ्रो 15.95 मीटर रहा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।